आज से 30 से 25 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जा रहे हैं, जिसमें 178 सीटें 176 सीटें वो हैं जहां पर वर्तमान में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और 149 वो सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक वर्तमान में नहीं है। पहली बार कहिए, समाजवादी पार्टी का किसी से गठबंधन नहीं होगा, हमारे 400 सीट पर समाजवादी पार्टी का रहेगी और आज कर रहे कुछ रह गए हैं उनके बारे में नहीं हम सर्वे करवा पाए हैं तो सोचा कि काम रुका हुआ है तो ये काम शुरू कर रहे हैं, अब वो रह गया दो तीन दिन उनको भी कर दें। नोटबंदी का जवाब अब बहुत जल्दी मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी नोटबंदी का जवाब जनता दे देगी, अब नोटबंदी का जवाब हम नहीं देंगे जनता देगी। हमारा कभी नहीं किया जाता और पार्टियों में किया जाता है तो वे धराशायी हो जाते हैं, हमारी पार्टी में पहले कोई नहीं किया जाता है और जब विधानमंडल दल की बैठक होती है तब से हो जाता है, पहले भी हमने नहीं किया, हमने कभी नहीं किया।